एक ऑर्डर आया है जहां पर मुझे तीन गार्मेंट्स बनाने हैं जो एक होगा के लिए दूसरा होगा एक अडल्ट के लिए और एक किड के लिए तो दो कुर्ते बनाने हैं और एक बनाना है लहंगा तो उसके लिए हमको एंड ऑल जो जो चाहिए वो सारा कुछ लाने के लिए जाना पड़ेगा और मैं फैब्रिक सिर्फ चार मीनार से नहीं मैं लाऊंगी बंजारा हिल्स और चार मीनार दोनों जगह से और, और क्या दूसरा कुछ काम है वो भी निकटा कर आएंगे और एक बात डिड यू नोटिस आई यूजली डोंट वेयर सच क्लोदिंग बट ये मेरा दिवाली आउटफिट है तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी प्रमोट कर दू ये हमारे स्टूडियो में ही बना है तो आई होप आपको ये डिजाइन पसंद आया हो सी लुक एट दिस

चेक कर लेना एंड चलिए शुरू करते हैं मैं निकल तो बड़ी थी तैयार होकर बट आई वॉज अब कन्फ्यूज कि पहले मैं कौन सा काम ख़त्म करूँ क्योंकि मुझे सिर्फ ये कपड़े लेने नहीं जाना था मुझे उसमें साथ में मैंने जो ज्वेलरी वगैरह बनाने का सामान दे रखा था किसी कारीगर को लाइक आई गेव फॉर द फर्स्ट टाइम तो वो भी मुझे लाना था और साथ में कुछ और ज्वेलरी का मटेरियल भी उन्हें देना था तो उसी चक्कर में क्या करूँ क्या नहीं आई वॉज थिंकिंग बट या मैंने पहले वो फिनिश कर लिया उसके बाद मैं गई कुछ फीमेल का लाइक जो भी मुझे लहंगा वाला ऑर्डर आया वो सारा सामान खरीदने वो होने के बाद मैंने कुछ लेसेस एंड ऑल ख़रीदे उसके बाद मैं गई बंजारा हिल्स जहाँ पे मैंने लिया मैंसवेयर का उसके लिए लाइक वी हैव सी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस वी हैव सम नेचुरल फैब्रिक्स वी हैव सम सिंथेटिक एज वेल एज वी हैव सेमी नेचुरल तो मैंने यहाँ पे लिया सेमी नेचुरल फैब्रिक क्योंकि वी नीड टू इवन वर्क एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट एंड देर बजट तो मैंने यहाँ पे काम किया सेमी नेचुरल फैब्रिक से और मैंने लिया जो लहंगा बनना था उसके लिए लिया जॉजट सेमीरो सिल्क और लिया गजी सिल्क दुपट्टा जिस पर बांधनी बना हुआ होता है अगर मैं बांधनी बनाने जाऊँ तो मुझे वो घंटों लग जाएगा घंटों क्या दिन भी लग सकता है क्योंकि दिन भर तो मैं उसी पे नहीं बैठूँगी और वो एक्सपेंसिव बन जाता तो मैंने सोचा कि मैं रेडी वाला ले लूँ और उसको एम्बलिश कर दूँ ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन जो कपड़े मैंने लिए हैं क्या क्या हुआ है ये सारा कुछ बताऊंगी। बट इस वीडियो में बस मैंने कपड़े लेना और डाई कैसे क्या किया किस कलर में किया वो आपको दिख जाएगा सो मोस्टली आई यूज पर्पल्स एंड यहाँ पे गोल्डन बेज ये दो ही कलर यूज़ हुआ है क्योंकि आई वॉन्टेड टू पेयर बोथ लाइक जो लहंगा बनने वाला है वो पूरा पर्पल में है उसके साथ पेयर करने वाली थी गोल्डन सो दिस इज़ फॉर अ होल फैमिली Like mother, father and son. The colors came really well. और ये सब मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी जहाँ पे मैं डिज़ाइन करके भी दिखाऊंगी कि क्या डिज़ाइन बनने वाला है और कितना क्या होने वाला है लाइक like, इसमें मैंने यूज़ किए टू कलर्स एज आई सेड कि पर्पल्स में काम करना है एंड एज माई फोटे इस आई एंड आई तो आई थाट क्यों ना मैं ओमरे शेड करवा दूँ लाइक like, ऊपर से लाइट और नीचे से डार्क तो वही मैंने किया और ऐसे ही मैंने रॉ सिल्क भी करवा दिया और ये जॉर्जेट भी बन गया और गजी सिल्क का तो आई सेट मैंने रेडी टू वेयर ले लिया और जो कुर्ते बनने थे उसके लिए ले लिया मैंने लेनिन सेटिन जैसे कि फादर एंड सन के लिए बनना था तो मैंने दोनों मैचिंग लिया और ऐसे ही समाप्त होता है हमारा वीडियो एज यू कैन सी सब कुछ पर्पल पर्पल है और देखिए गोल्डन बेज भी मैंने यूज़ किया है वेयर के लिए एंड बोथ पेयर्स वेल एंड आई एम एक्साइटेड कि कैसा बनेगा ये सो वॉट डू यू थिंक आपको अच्छा लगा मेरा कलेक्शन जो बन रहा है सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट जरूर कीजिएगा उसमें मैं स्केच करके भी बताने वाली हूँ कि डिजाइन कैसे बनने वाला है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय बाय टेक केयर